bounds. हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना क्लैन कैसे 10 डेज में ग्रो कर सकते हैं। हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्लैन को आपने ओपन किए रखना है, जैसे कि अभी देख सकते हैं आपने ट्रॉफीज बिल्कुल ही ज़ीरो कर देनी है। होपर्स का आपको कोई टेंशन नहीं रखनी, ट्रॉफीज आपकी बिल्कुल ज़ीरो और आपकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही हाई होनी चाहिए, अच्छी होगी। एंड देन आपने पब्लिक वारलॉग को नहीं रखना और फ्रेंडली वार्स को भी नहीं रखना। क्लैन का बैज अच्छे टाइप का रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके अकाउंट्स 5 हो मिनिमम, और अगर आपके 5 होंगे तो इस तरह का आप कर सकते हैं इनके ऊपर, यानी कि आप इस तरह ओपोनेंट को उड़ा सकते हैं आसानी से। सो क्लैन के ग्रो करने के बहुत ज़्यादा टिप्स हैं, जिनमें से अभी मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो टिप है कि वो आपने एनीवन के ज्वाइन रखना है और अपने क्लैन की डिस्क्रिप्शन हाई लेवल रखनी है। सेकंड ये है कि आपने माई लीग में जाना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। माई लीग में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये MN गॉड ऑफ वार, इसको आपने इनवाइट कर देना है इस तरह। तो ये भी इनमें से भी काफ़ी एक्टिव प्लेयर्स होते हैं, इस तरह वो ज्वाइन करते जाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो क्लैन के अंदर नहीं है, वो भी आपके ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड ये है कि आपने टॉप, थर्ड ये है कि आपने टॉप प्लेयर्स में जाना है, एंड यहाँ पे भी जो क्लैंस में नहीं है आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। और फोर्थ ये है कि आपने सारों को, सबको डोनेशन देनी है, और जो जो वो मांगेंगे वो आपने उनको डोनेशन देते जाना है। और फिफ्थ स्टेप ये है कि आपने उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, लाइक अगर आपके क्लैन में कोई आता है और अगर वो आपसे लड़ाई करता है तो आप आगे से लड़ाई ना कीजिए उसके साथ, उसको आगे से प्यार से समझाएं और वो आपके क्लैन में इजीली स्टे करेगा। सो आप, आई होप कि आप ये टिप्स फॉलो करके अपना क्लैन ग्रो कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं मेरा क्लैन 10 या 12 डेज में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। पहले मेरे क्लैन में 9 मेंबर्स थे और ये 10 डेज के अंदर मैंने यही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं अपने 5 अकाउंट से, ऐसे ही मैंने इनवाइट किया है सारों को। सो इस तरह मेरा क्लैन इजीली चल गया है। सो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट